हेलो गाइस, आपका इस्तकबाल है फिरोज रोशन यूट्यूब चैनल में। और हम आज के इस वीडियो में सनते अय्याम किसे कहते हैं, सनते अय्याम क्या होता है, यानी कि अय्याम यानी वहम में डालना। ये जो अय्याम का लफ्ज है तो इसका मतलब होता है कि वहम में डाल देना। शेर में ऐसा दो मानी लफ्ज इस्तेमाल करना जिसके मानी करीब करीब वहम में डाल दे और मानी बैद मुराद हो, तो उसे सनते अय्याम कहते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे पास में पहली इसकी मिसाल है कि महबूब मेरा क्यों ना वो तस्कीन असर हो, आंखों में फिरे और ना मर्दुम को खबर हो। अब यहाँ पर एक मर्दुम का लफ्ज आया है, तो मर्दुम यानी कि क्या, इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ लफ्ज मर्दुम से, यहाँ लफ्ज ये मर्दूम से, तो यहाँ लफ्ज मर्दूम से आदमी का गुमान होता है। तो यहाँ मर्दूम का जो लफ्ज पड़ रहा है तो ऐसा हमको आदमी की तरफ उसका ख्याल जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसके मानी है, इसके उसका मान मतलब मुराद होता है पतली है, यानी कि इसके मानी है पतली के। अब दूसरी हमारे पास में मिसाल है कि बसते हैं तेरे साये में सब शेको बरहमन, आदमी तुझी से तो है घर देरो हरम। तो यहाँ पर एक साया का लफ्ज आया है, तो ये लफ्ज जो है तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो लफ्ज साया से छाव का गुमान होता है, साया यानी कि छाव, छाव का हमको गुमान हो रहा है, लेकिन साये से मुराद यहाँ हिमायत करना है। साया, साये का मतलब यहाँ पर हिमायत करना है, तरफदारी के मानी निकल कर आ रहे हैं। देखिए अब हमारे पास में तीसरी मिसाल है कि मेरे गले की तरफ मियाँ तेरे आबे तैग का ढाल है। अब यहाँ पर ढाल का लफ्ज आया है, ढाल से इसके हम मानी क्या निकालते हैं, जैसा कि लफ्ज ढाल से औजार का वहम होता है, लेकिन मुराद इसका है ढलवान, यानी कि नीचे उतरना। तो इसी तरह से ऐसे अल्फाज अगर शेरों में पाए जाए और उसके मानी हम जो है तो गलत मफहूम कर ले, गलत मतलब उसका निकाल ले, यानी कि दूसरे ही तरफ चले जाए, तो शेर की ऐसी सनत को सनते यहाँ कहते हैं।